चैनल और आज हम ये दूर से मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बालों को सिक्योर करेंगे। सबसे पहले गिनते रहते हम अपनी स्किन को प्रैप करेंगे। सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई करूँगी, उसके लिए ये मैं बायोटेक का कुकुम्बर टोनर यूज करूँगी। सेकेंड स्टेप हम उसके लिए पॉन्स का ये जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, आपकी स्किन अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिएगा। मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। इसके बाद ही मैं न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन यूज करूंगी। सनस्क्रीन हमने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम अपने मॉइस्चर को निविया के लिप बाम से मॉइस्चराइज करेंगे। हमने अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं अपने स्किन पर प्राइमर यूज करूंगी। इनसाइड का प्राइमर है, मैं इसको यूज करूंगी। ये ओपन पोर्स को हमारे ब्लॉक कर देगा। हमने अपने स्किन पर प्राइमर लगा लिया है। हम अपने स्किन पे जो डार्क स्पॉट है इसे कवर करेंगे और उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो किट का यूज़ करूँगी। इसमें से हम ग्रीन रेड दोनों का यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन पर डार्क कलर के स्पॉट्स हैं तो आप ग्रीन कलर का यूज़ कीजिए और अगर रेड रेड कलर है तो आप ऑरेंज कंसीलर का यूज़ कीजिएगा। हम रेड कलर के कंसर्न नहीं है पर थोड़ा सा जो होगा वो पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। अब हमने स्किन पर कंसीलर यूज कर लिया है। अब मैं फिटमी का ये फाउंडेशन यूज करूंगी, फिटमी फाउंडेशन शेड नंबर 220। इससे हम फेस पर डॉट डॉट बनाएंगे। हम अपने फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। हम इसे डैब डैब करेंगे। अब आप देख रहे होंगे मेरा फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसी
तरीके से हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट हम कंसीलर यूज़ करेंगे, मेरा स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, इसकी बहुत ही अच्छी कवरेज है, ज़्यादा नहीं लगाना है, जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही मैं इसे यूज़ करूँगी। इसे भी हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे। हमने अपने कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम अपने फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लूज़ पाउडर का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर लीजिएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर का, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं लूज़ पाउडर का यूज़ करती हूँ। मेरे पास ये ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर है। लूज पाउडर हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं फेस पे कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग उन्हीं लोगों को करनी है जिनका फेस को जो शार्प दिखाना चाहते हैं, फेस पर के अपने थोड़ा पतला दिखाना चाहते हैं, वो ही कॉन्टोरिंग कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये मेरी हुडा ब्यूटी का पैलेट है, और उसके लिए मैं हल्का लाइट ब्राउन वाला शेड यूज़ करूँगी। अब इसको हम ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे हल्के हल्के हाथों से। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप उसको छोटा दिखाना चाहते हैं तो आप इस एरिया पर कंटोर कीजिएगा, अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप कंटोरिंग नहीं कीजिए। हम अपने नोज पर भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग करेंगे। हमारे फेस पर कंट्रोलिंग हो चुकी है। अब हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे, उसके लिए मैं कलर एसेंस की आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी। मैं इस टिप में से ये ब्राउन शेड पिक करूंगी अपनी आईज पर से ब्लेंड करूंगी।
मैं इस वाली पैलेट से ये वाइट कलर पिक करूंगी। शेड कंप्लीट हो गया है। अब हम लाइनर अप्लाई करेंगे, उसके लिए मैं फेसेस कैनेडा का लाइनर यूज़ करूँगी। लाइनर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी मैं मस्कारा यूज़ करूँगी लैक्मे आइकॉनिक का। मस्कारा हो गया है हमारा। नेक्स्ट हम ब्लशर लगाएंगे, इसके लिए मैं अपना हुडा ब्यूटी की पैलेट का यूज़ करूँगी। इसमें से ये लाइट कलर पिक करेंगे हम। ब्लशर इज कम्प्लीट। अब हम मेकअप स्प्रे यूज़ करेंगे। मेरा चार्म वोगन ब्यूटी का मेकअप स्प्रे है। मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगी, मेरा इन कलर का हाईलाइटर है, शेड नंबर है 02।
हाइलाइटर अप्लाई कर चुके हैं। मैं मेबलिन की लिपस्टिक लगाऊंगी, उसका शेड नंबर देखना है 660 टच ऑफ स्पाइस।